वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने स्टेबिलिटी ऑफ टू व्हीलर की। तो स्टेबिलिटी ऑफ टू व्हीलर में सबसे पहले समझने से पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बना लेता हूँ। दिस इज माय फ्रंट व्हील, दिस इज इंजन, दिस इज रियर व्हील। तो इसका ये मैंने एक्सिस बना लिया। मैंने बताया यहाँ पे आपके सामने कि ये मेरा व्हील है, ये मेरा इंजन है, दिस इज माय व्हील, ये मेरा फ्रंट व्हील है और ये मेरा रियर व्हील है। तो ये जो व्हील जो मैंने लिया है वो मैंने आपको बताया है कि ये एंगुलर, मतलब ये क्या कर रहा है, आपका रोटेशन कर रहा है और टर्न ले रहा है मेरा किधर, लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है। तो इस लेफ्ट की तरफ टर्न लेने पे आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ दैट्स अ आर, आर इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पाथ। जो पाथ है आपका उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आपका आर है। यहाँ पे मैंने बोला जो व्हील है मेरा उसका रेडियस, रेडियस ऑफ व्हील से रिप्रेजेंट किया दैट्स अ आर सफिक्स स्मॉल डब्ल्यू। उसके बाद आपको दो तीन चीजें और बताई है यहाँ पे, दैट्स अ आई डब्ल्यू, इसको क्या बोलते हैं आपका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ये आपका आई ओमेगा हो गया। इसके बाद इंजन के लिए आपके दिए रेडियस ऑफ इंजन और आई इंजन, और भी आपकी चीजें गिवन दी है इसके अंदर। जैसे बोला उसने कि गियर रेशियो, गियर रेशियो आप सभी को बताओ, गियर में मैंने बात की है कि गियर रेशियो इज जी और वो क्या होता है आपका ओमेगा ऑफ इंजन ओवर ओमेगा ऑफ व्हील, क्योंकि आपकी इंजन की स्पीड ज्यादा होती है और गियर रेशियो आपका ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। ये मैंने पहले बात कर चुका हूँ गियर में, जिसने नहीं देखा है वो मेरी गियर वाली वीडियोज में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले बात करने से पहले मेरे को यहाँ पे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो डायग्राम क्या है मेरा, जब मैं टर्न ले रहा हूं तो जो मेरा फ्रंट व्हील है वो कुछ इस तरीके से शिफ्टेड हो रहा है थोड़ा सा एक्सिस से, और वो जो आपकी एक्सिस है उससे आपका जो एंगल बना रहा है दैट्स अ थीटा, और जो थीटा है वो मेरा क्या है, मेरा हील एंगल, क्या है मेरा हील एंगल है। जब हील एंगल की बात आ रही है तो ये आपको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और इस टाइम पे आपकी पूरी गाड़ी क्या होगी, टिल्टेड होगी। तो इस केस इसकी आपका क्या होगा कि अगर मैं देखू कि ये आपका इस एक्सिस से थीटा एंगल पे शिफ्टेड हुआ है तो यहां से क्या होगा आपका थीटा एक्सिस पे क्या होगा, शिफ्टेड होगा। तो थीटा एंगल पे शिफ्टेड होगा वो यहाँ पे। तो अगर मैंने बोला कि अगर जो इसकी हाइट दी है, प्लीज प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसकी जो ग्राउंड लेवल से इसके जहाँ पे वेट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, वहां तक की हाइट उसने क्या दी है आपको, स्मॉल एच दी है। तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, ये आपकी स्मॉल एच है, ये एंगल आपका थीटा है, तो यहां से आपकी हाइट कितनी आएगी, स्मॉल एच कॉस थीटा, कितनी आएगी आपकी स्मॉल एच कॉस थीटा, और ये कितनी आएगी आपकी हाइट, स्मॉल एच साइन थीटा, कितनी होगी आपकी स्मॉल एच साइन थीटा। इसके बाद आपके सामने बात करनी पड़ेगी यहाँ पे कि दैट्स अ स्मॉल एच साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका जो व्हील होगा उसका वेट कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे आपका एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा यहाँ पे एम जी। और मैंने आपको फर्स्ट वन वीडियो पे जायरोस्कोप में बताया था कि क्योंकि ये व्हील इस तरीके से टर्न कर रहा होगा तो यहाँ पे इसका क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, वो क्या होगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्या होगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम बी स्क्वायर आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। और वी क्या है आपकी, दैट इज अ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, व्हीकल। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और जिस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या लगता है आपका, जायरोस्कोपिक कपल, ये भी मैं बात कर चुका हूं पहले। तो आपने मेरी अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है जायरोस्कोपिक की तो आप प्लीज जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके तीन कपल आएंगे। तीन कपल कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले तो आएंगे आपके जो व्हील है, इंजन है, उसकी वजह से कपल आएगा। उसके बाद आपका जो वेट है
उसकी वजह से कपल आएगा। उसके बाद आपका जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से कपल आएगा, उसकी वजह से कपल आएगा। तो एक चीज नोटिस करनी है कि जो एम जी होगा वो उसको इस तरीके से गिराने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट की ओर देखूंगा तो मैं उसको किस तरीके से लाने की कोशिश करेगा, देर से क्लॉक वाइज वो कैसे लाएगा आपका क्लॉक वाइज। और जो एफ सी होगा उसको कैसे लाएगा एंटी क्लॉक वाइज। और जो आपका जायरोस्कोपिक कपल होगा वो भी क्या करेगा इसको एंटी क्लॉक वाइज। तो जब मैं इसको बैलेंस की कंडीशन में लाऊंगा देयर इज स्टेबिलिटी कंडीशन, तो ये दोनों मेरे पॉजिटिव में आएंगे, ये किसमें आएगा आपका नेगेटिव में आएगा। पर यहाँ पे एक चीज होती है कि जब मैं इसको टिल्टेड लेता हूँ तो मुझे एक्सिस पे निकालना होता है, जो मेरा टोटल कपल होता है व्हील और इंजन वाला मुझे उस एक्सिस पे निकालना होता है। इस एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है वो जब मैं यहाँ पे लेता हूँ तो वो किसमें आता है आपका कॉस थीटा, मतलब आपकी जो लास्ट की इक्वेशन होती है वो कॉस थीटा में आती है। तो देखते हैं कैसे, ध्यान से देखते हैं। बहुत यहाँ पे आपको दिया था, अगर मैं बात करूं कि जायरोस्कोपिक कपल फॉर ईच व्हील क्या होता था, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले आई ओमेगा ओमेगा पी। आई देयर इज अ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटर और व्हील, और पी इज द प्रेसिजन वेलोसिटी, प्रेसिजन एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं व्हील की बात कर रहा हूँ और ईच के लिए बात कर रहा हूँ, तो एक के लिए तो आई डब्ल्यू ओमेगा डब्ल्यू और ओमेगा पी, कोई परेशानी नहीं होगी यहां तक। अगर मैं ईच के लिए बात कर रहा हूं तो कितना है आपका एक आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं जायरोस्कोपिक कपल फॉर टू व्हील कितना होगा आपका, टू इंटू आई डब्ल्यू आई व्हील ओमेगा व्हील इंटू ओमेगा पी, दैट्स इक्वेशन नंबर वन। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जायरोस्कोपिक कपल फॉर इंजन, तो इंजन के लिए क्या होगा आपका आई सफिक्स ई ओमेगा ई एन टू ओमेगा प्रेसिजन, और देयर इज क्वेश्चन नंबर टू। तो मैं लिखूंगा यहां पे टोटल जायरोस्कोपिक कपल ऑन द व्हीकल कितना होगा, टू आई व्हील इंटू ओमेगा व्हील इंटू ओमेगा प्रेसिजन प्लस के आई ई इंटू ओमेगा ई इंटू ओमेगा प्रेसिजन। ये बात समझ में आ गई आगे होगी। बट वी नो दैट जी इज इक्वल ओमेगा ई ओवर ओमेगा व्हील, तो ओमेगा ई के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, जी इंटू ओमेगा डब्ल्यू, सही है ना। तो मैं लिखा यहाँ पे इसको मैं साइड में कर देता हूँ, टू आई डब्ल्यू इंटू ओमेगा डब्ल्यू इंटू ओमेगा पी प्लस के जी इंटू आई ई इंटू ओमेगा डब्ल्यू इंटू ओमेगा पी। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया देखिए ओमेगा डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा आपका, और क्या कॉमन आएगा आपका प्रेसीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिया ओमेगा डब्ल्यू इंटू ओमेगा प्रेसीजन ब्रैकेट के अंदर टू आई व्हील प्लस के जी इंटू आई ई, दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री। मैंने आपको बताया था कि जब जो मेरा जायरोस्कोपिक कपल आता है ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन में उसके साथ क्या कंपोनेंट आता है आपका कॉस थीटा, क्यों आता है क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा कंपोनेंट मेरा यहाँ पे काम कर रहा है आई ओमेगा ओमेगा पी, दैट इज अ टोटल जायरोस्कोपिक कपल। तो उसका मैं कंपोनेंट निकालता हूँ इस डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे कहाँ निकालना है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में निकालता हूँ तो क्या आता है उसके साथ कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल जायरोस्कोपिक कपल ऑन दी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा आपका, ओमेगा डब्ल्यू इंटू ओमेगा प्रेसिजन ब्रैकेट के अंदर टू आई व्हील प्लस के जी इंटू आई ई इंटू कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पे मैं ओमेगा प्रेसिजन की वैल्यू लगा सकता हूँ वेलोसिटी, क्योंकि देखो ये इस एक्सिस के और टर्न ले रहा है, और वेलोसिटी कितनी है बी, और आर कितना है इसका आर, तो ओमेगा पी इज इक्वल कितना है आपका बी ओवर आर, तो बी ओवर आर की वैल्यू रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो बी ओवर आर की वैल्यू रखी थी यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखिए प्लीज ध्यान से, बहुत सिंपल है वी ओवर आर, ये इसकी आपकी बी ओवर आर ओमेगा इंटू डब्ल्यू टू टू आई डब्ल्यू इसके जी इंटू आई ई इंटू कॉस थीटा। इसमें ओमेगा व्हील की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, आपको बताया कि वी ओवर आर व्हील, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर
कैपिटल आर इंटू आर व्हील ब्रैकेट के अंदर 2iw प्लस के जी इंटू आई ई कॉस थीटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और एक मेरा एक कपल निकला, कपल 1, अच्छे से बंद कर दिया डिब्बे में। इसके बाद बाकी बाकी बचे हुए कपल्स देखते हैं आसानी से। अब मैं बात करता हूं आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल कपल, देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल कपल। सेंट्रीफ्यूगल कपल क्या होगा देख लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल कपल आपको क्या लग रहा होगा, आपका सीओजी से लग रहा होगा। वो कैसे लग रहा है कुछ इस तरीके से। तो क्या करना पड़ेगा आपको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बड़ी, एच कॉस थीटा। प्लीज ध्यान से देखिए क्या है, एच कॉस थीटा। तो क्या करूंगा, एम बी स्क्वायर ओवर आर इंटू कॉस थीटा, बाहर लिखते मैंने एच। तो क्या लिख सकता हूँ, एम बी स्क्वायर एच ओवर आर इंटू कॉस थीटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और एक निकला मेरा कपल 2 निकला। इसका लास्ट कपल बचता है ड्यू टू वेट, कपल 3। कपल थ्री क्या होगा ड्यू टू वेट, इस ध्यान से देखिए। एम जी आपका डाउनवर्ड में लग रहा है, तो एम जी से डिस्टेंस कितनी है आपकी, एच इंटू साइन थीटा। क्या है आपकी, एच इंटू साइन थीटा। तो क्या आएगा आपका, स्मॉल एम जी इंटू एच साइन थीटा। तो लिखेंगे इन स्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबिलिटी कंडीशन जायरोस्कोपिक कपल प्लस सेंट्रीफ्यूगल कपल इज इक्वल वेट कपल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, बी स्क्वायर ओवर कैपिटल आर इंटू आर डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर आई इंटू व्हील 2 इंटू आई इंटू वी प्लस के जी इंटू आई इंटू ई कॉस थीटा प्लस के एम बी स्क्वायर ओवर आर इंटू एच कॉस थीटा इज इक्वल एम जी एच साइन थीटा। तो गाइज ये मेरे को निकालना होता है स्टेबिलिटी की कंडीशन के लिए, आपका ये प्रूव करना होता है। अगर गाइज आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और टेक्निकल क्लासेस से जुड़ते रहिए प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू थैंक यू।